हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें किरचॉफ के नियम में, किरचॉफ इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैद्युत सेल के बारे में। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? आप सेल देखते हैं, आपके घर पर बैटरी होती है, इन्वर्टर पर लगी होती है, टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह की सेल्स इस्तेमाल करते हैं, आपकी सेल की घड़ी है उसमें सेल इस्तेमाल करते हैं। तो वैद्युत सेल है क्या चीज, किसको वैद्युत सेल कहते हैं? अब देखिए, वैद्युत सेल में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोड होते हैं और एक विद्युत अपघटक पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये हम अगर हम सेल को देखें तो सेल हमारी इस प्रकार होती है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक को हम कहते हैं कैथोड और एक को कहते हैं एनोड। एक हमारा कैथोड होता है और एक हमारा एनोड होता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। एक हमारा प्लस का और एक माइनस का। ये हमारा विद्युत अपघटक पदार्थ होता है। अब ये विद्युत अपघटक पदार्थ में रासायनिक पदार्थ होता है, तो हम इसके अंदर सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। ये जो हमारा सेल है इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। अब सेल क्या काम करता है? इस सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कब बदलता है? अगर हम सेल के ऐसे ही छोड़ दें, इसके टर्मिनल, ये इसके टर्मिनल है, घर टर्मिनल और ये रेड टर्मिनल है, तो अगर हम सेल को किसी वैद्युत परिपथ से ना जोड़े, किसी तार से ना जोड़े, इससे धारा ना ले, तो ये इससे कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन जब हम इसको किसी तार से जोड़ते हैं, परिपथ को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर यहां से रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलने लगती है। और जब ये रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा बदलती है तो परिपथ में आवेश का प्रवाह होने लगता है, और आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहां सेल किसे कहते हैं? सेल एक ऐसी युक्ति है या ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर पदार्थ उसमें परिपथ में लगातार ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखते हैं, लगातार आवेश का प्रवाह बनाए रखते हैं, लगातार धारा को प्रवाहित रखते हैं। तो धारा को, इसी को हम वैद्युत सेल कहते हैं। अब वैद्युत सेल आपकी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी सेल प्राथमिक सेल और एक होती है द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। देखो, कुछ सेलें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज करके दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी प्राथमिक सेल कहलाती है, प्राइमरी सेल कहलाती है। दूसरी होती है सेकेंडरी सेल, हमारी होती है सेकेंडरी सेल। जैसे हमारी प्राथमिक सेल है जिसको हम एक बार यूज करके दोबारा नहीं कर सकते, जैसे लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल है। दूसरी हमारी प्रकार की सेल जो होती है उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। अब द्वितीयक सेल में क्या है कि द्वितीयक सेल हमारे, इनको हम दोबारा से पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी कि जो हम रासायनिक ऊर्जा लेते हैं इसको दोबारा आवेशित करेंगे तो फिर हम उसकी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो इन सेलों को हम आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज आती है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। अब यहां से इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, विद्युत वाहक बल का वी, वाहक का वा और बा का बल का बा ले लेते हैं, तो वी वा बा। तो जहां वी वा बा लिखा होगा विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में हम इलेक्ट्रो का ई एम, मोटो का एम और इसका एफ, ई एम एफ ऑफ ए सेल। तो हम शॉर्ट में आगे इस्तेमाल करेंगे वी वाबा या ई एम एफ हम इस्तेमाल करेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। अब किसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल? सबसे पहले हम सेल से, जब सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल में आवेश प्रवाहित होता है। अब इस आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है, कार्य किया जाता है, तो ये कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, और क्या कार्य में, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, इसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए, मान लिया इसमें क्यों, पूरे परिपथ में क्यों आवेश प्रवाहित किया आपने, क्यों आवेश प्रवाहित किया,
और क्यों आवेश प्रवाहित करने में भले क्यों आवेश प्रवाहित किया और क्यों आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा डब्ल्यू जूल है। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है? डब्ल्यू जूल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल देखिए ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ई बराबर कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलोम या वोल्ट। मात्रक इसका होगा है जूल प्रति कूलोम या इसको हम वोल्ट कहते हैं। ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसके बाद कहते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं सेल का? ठीक है, सेल जब बाह्य परिपथ में, मान ली सेल है हमारी, ये सेल का हमने बाह्य परिपथ जोड़ दिया, ये प्लस माइनस इस तरह से हम सेल को इस कहते हैं। यहां हमने बाह्य परिपथ ही हमने जोड़ा है, बाह्य परिपथ है हमारा ये। ठीक है, बाह्य परिपथ के सिरे ए और बी हो गया। ठीक है, बाह्य परिपथ के सिरे ए से बी तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करें, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में क्या क्या कार्य? डब्ल्यू जूल हो, यानी कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, एकांत आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर हमारा, ये भी V टर्मिनल विभवांतर को V से लिखेंगे, V टर्मिनल विभवांतर बराबर W अपॉन Q, ये हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में क्या गया कार्य? एकांक आवेश को क्या कार्य? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसके बाद हम बात करें सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, जब हम सेल में धारा प्रवाहित करते हैं या आवेश प्रवाहित करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिस प्रकार बाह्य परिपथ में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार सेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है। यानी कि जब सेल में आवेश प्रवाहित होता है तो सेल का घोल भी इस पर बाधा उत्पन्न करता है, इसी बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अभ्यय द्वारा जो प्रतिरोध होता है उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर हम इनके बीच की दूरी बढ़ा दें, टर्मिनल है, ये टर्मिनल है हमारे, ठीक है, अगर ये हमारे इलेक्ट्रोड है, अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो बढ़ाने पर इसका विभवांतर इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और अगर हम दूसरी इसकी सांद्रता बढ़ा दें, ये जो हमारा घोल है, अगर हम घोल की सांद्रता बढ़ा दें तब भी इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, आंतरिक प्रतिरोध और इनके बीच की दूरी पर। अगला आता है सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। सेल के टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले मैं एक चीज बताता हूं, ये हमारी सेल है, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध R, एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, ये मैंने इसको डॉटेड लाइन से बना दिया तो ये हमारा सेल बन गया। ठीक है, एक हमारा सेल है, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक विद्युत R है। इस सेल को हमने एक कुंजी के द्वारा बाह्य प्रतिरोध R और एक एमीटर A के द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, और इसके टर्मिनल के सिरों के बीच में हमने एक वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, जब यहां से हम कुंजी को बंद करते हैं तो ये सेल धारा देने लगती है, और जब सेल धारा देती है तो ये धारा प्रवाहित होने लगती है। समझ लो इसमें प्रवाहित धारा आई है, प्रवाहित धारा कितनी है? आई है, यहां आई धारा प्रवाहित होती है। तो जब हम यदि देखो दो चीजें हैं,
अगर हमें सेल का विद्युत वाहक बल देखना हो तो हम कुंजी को खुली रखते हैं, ठीक है। जब कुंजी खुली है तो हमारा वोल्ट मीटर जो है वो इसके टर्मिनल से, इसके इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, बैटरी के, तो ये हमें इसका बताता है विद्युत वाहक बल। जब हम इसको कुंजी को बंद करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती परिपथ में, तो तब ये परिपथ में प्रवाहित धारा आए, तब ये जो हमारी ये है ये इसके टर्मिनल विभवांतर को बताता है, ठीक है। अब यहां हमें दो चीज याद करनी है, हमें आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, मान लीजिए सेल के अंदर और सेल के बाहर, एक ही सेल के बाहर वाला परिपथ हो गया और एक सेल के अंदर वाला परिपथ हो गया, दो परिपथ, दो चीजें हो गई। तो हम दोनों में पहले हम निकालें सेल सहित पूरे परिपथ में कितनी ऊर्जा ली जाती है, ठीक है। मान लीजिए सेल सहित क्यू आवेश को हमने सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित किया, क्यू आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित किया और इसी द्वारा क्या गया, कार्य ली की ऊर्जा W जूल है, कितनी है W जूल है। तो फिर हमारा W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर E इंटू क्यू हो जाता है, समीकरण नंबर एक। अब चूंकि परिपथ में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो यहां से q बराबर कितना हो गया it, क्योंकि i बराबर q अपॉन t होता है, तो यहां ये वैल्यू रख देंगे तो w बराबर हो जाएगा हमारा e it, समीकरण नंबर दो हो गया, ठीक है। ये हो गया कुल कार्य सहित पूरे परिपथ में, ठीक है। अब यहां निकालेंगे हम इन एक्सटर्नल कार्य, अब यहां धारा कितनी प्रवाहित है आई, इसका प्रतिरोध कितना आर, और कितने समय तक प्रवाहित हो रहे हैं टी समय तक हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल कार्य क्या हो जाएगा, तो यदि टी देखेंगे कि बाह्य परिपथ में टी समय में, ठीक है, क्यों आवेश प्रवाहित होता है और प्रवाहित धारा ये हमारी आई, वो हमें ऊपर लिखा है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो क्या क्या कार्य कितना होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर आई स्क्वायर आर टी, समीकरण नंबर तीन, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब हम निकालेंगे इंटरनल कार्य, इंटरनल यानी कि इंटरनल सेल के अंदर, सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, धारा इसमें भी आई प्रवाहित होती है, तो सेल के अंदर क्या गया कार्य, तो डब्ल्यू इंटरनल इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, समीकरण नंबर चार। अब ये हो गया हमारा कुल कार्य डब्ल्यू बराबर ई आई टी, और कुल कार्य बराबर होगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के, तो यहां लिखेंगे कुल कार्य W बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ये तो होगा। अब दोनों को हम यहां पर रख देंगे, W बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल I स्क्वायर RT प्लस I स्क्वायर RT, और W कितना है, W हमारा EIT है, तो EIT इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी प्लस आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से हमारा आई टी खत्म हो जाएगा, तो ई बराबर टी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा आई आर, तो इसे विभवांतर के रूप में ले लेते हैं, इसके सिरों पर विभवांतर वी है, तो हम इसको विभवांतर के रूप में ले लेते हैं, तो V external बराबर VIT, तो हमारा ये हो जाएगा VIT, अब यहां से IT का खत्म भाग देंगे, तो यहां से IT का क्या E बराबर V प्लस यहां हो जाएगा IR, ठीक है, तो V बराबर आ जाएगा हमारा E माइनस IR, V बराबर E माइनस IR, तो अब यहां देख रहे हैं कि V जो है E में से IR घन के आ रहा है,
तो इसका मतलब हुआ कि टर्मिनल विभवांतर जो है, टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, कब, जब सेल से धारा ले रहे हो। और अगर हम सेल को आवेशित कर रहे हो तो फिर यह प्लस हो जाएगा, प्लस होने पर V बराबर हो जाएगा E प्लस आई आर। जब अगर हम सेल से धारा ले रहे हैं तो फिर जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है वो जो हमारा विद्युत वाहक बल है उससे बड़ा होता है। ओके, अब देखिए इसमें अगर हम आंतरिक प्रतिरोध निकालें, आंतरिक प्रतिरोध निकालें तो कितना होगा, अब देखिए यहां से उसमें संबंध निकालता हूं मैं। हमारा फॉर्मूला आया V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर हो गया, ठीक है। से अब जानते हैं V बराबर आई आर, चूंकि प्रतिरोध R में धारा कितनी प्रवाहित है, I प्रवाहित है, तो यहां से हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको इधर ले जाए तो जाएगा आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, आर कॉमन ले दो, आई कॉमन ले दो इसमें से, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, तो यहां से हो गया हमारा आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। यहां इस वाले फॉर्मूले से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, सेल द्वारा ली गई धारा निकाल सकते हैं। अगर एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई हो, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो, बाह्य प्रतिरोध आर में धारा भेज रहा हो, तो उसका I बराबर धारा I बराबर होती है E अपॉन R प्लस R, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था किरचॉफ के नियम में सेल और उसका आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे सेलों का संयोजन, फिर किरचॉफ लॉ वगैरह को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।